पुलवामा फिदायीन हमले के दो दिन बाद NIA, CFSL टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिर लेथपोरा में घटनास्थल का मुआयना किया और जांच को आगे बढ़ाया है। CFSL टीम ने घटनास्थल से काफी बारीकी के साथ सुराग जुटाए हैं, जो ब्लास्ट से अहम सबूत के तौर पर सामने आ सकते हैं। शुरुआती जांच में अब तक कयास लगाए जा रहे हैं कि फियादीन हमले में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो सकता है और विस्फोटक से भरी गाड़ी में 3 गैस सिलेंडर मौजूद होने की जांच की जा रही है, जिसमें RDX भरा हो सकता है। माना जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट और RDX दोनों ही तरह के विस्फोटक हमले में इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अभी हमले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं CRPF के महानिदेशक राजीव राय भटनागर ने भी मौके का जायजा लेने के बाद जल्द ही जांच रिपोर्ट तैयार करने का दावा किया है। सूत्रों की माने तो NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा जांच में अब तक मिले अहम सुरागों के मुताबिक हमले में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में RDX भरा हुआ था। वहीं CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमले से पहले 2-3 बार रेकी भी की गई थी और अफजल गुरु की बरसी पर ही हमले का प्लान बनाया गया था। उधर पुलिस को भी पहले से ही बड़े हमले के इनपुट मिल चुके थे और तमाम सुरक्षा ठिकानों को अलर्ट जारी कर दिया गया था। फिलहाल फिदायीन हमले में सामने आई सुरक्षा चूक और आतंकियों के जरिए हाईटेक तकनीक का सहारा लेने के कई पहलू अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। श्रीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।